ऑरेंज यानी कि संतरा, यह एक ऐसा फल है जिससे बड़े से बड़ा वायरल इन्फेक्शन को भी ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह विटामिन सी से भरपूर एक ऐसा फल है जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आज का यह वीडियो उन लोगों के खिलाफ है जो इम्यूनिटी के नाम पर आपको तरह तरह के मेडिसिन और आजकल तो टीका भी बेच रहे हैं। आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और कोविड जैसे वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रस्तुत है आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो की शुरुआत इतिहास के उस पन्ने से है जहां केवल संतरे की वजह से नेपोलियन की हार होती है। जानिए विश्वरूप जी के मुंह से। 1747 ये वो दौर था जब इंसान में, खासतौर पे वो लोग जो समुद्री यात्रा में जाते या जो लोग समुद्र में ज़्यादा समय व्यतीत करते, उनमें खास तरह की बीमारी पाई जाती जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी जिसमें मसूड़ों में खून निकलना, पैरों का सूज जाना, वूंड का धीरे धीरे हील होना, वीकनेस, कमज़ोरी या फिर फैटीग और एंड फाइनली डेथ, ऐसा देखा जाता। 1747 में एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे, डॉक्टर जेम्स लिन। उन्होंने अपने समुद्री यात्रा के दौरान एक ट्रायल किया। इस ट्रायल में स्कर्वी के पेशेंट्स को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांटे। एक ग्रुप को उन्होंने रोज़ दो दो चम्मच विनेगर देना शुरू किया तो दूसरे ग्रुप को उन्होंने समुद्री पानी आधा ग्लास पिलाना शुरू किया। तीसरे ग्रुप को रोज़ उन्होंने कुछ लहसुन बांटे तो चौथे ग्रुप को एक नींबू और एक संतरा रोज़ खिलाया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप को उन्होंने संतरा और नींबू खिलाया, छठवें दिन तक वो ठीक हो गए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट किया और जितनी बार रिपीट करते उतनी बार उनको रिजल्ट सेम मिलता कि नींबू और संतरे के सेवन से स्कर्वी के पेशेंट ठीक होने लगे। इसके 6 साल बाद यानी कि 1753 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द ट्रीटीज ऑफ स्कर्वी। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके किताब का ओरिजिनल एडिशन आप पढ़ सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस किताब के लिखने के बाद, सारे एविडेंसेस को इकट्ठे करने के बाद से इंसान में स्कर्वी से मरना बंद हो गया होगा। जबकि शॉकिंग बात यह है कि इसके 40 साल बाद भी, जब तक कि 1794 जब उनकी डेथ हुई, तब तक इस मेथड को, उनके इस खोज को मान्यता नहीं मिली। फाइनली 1796 में ब्रिटेन ने इस खोज को मान्यता दी और उसके बाद से ब्रिटेन रॉयल नेवी के सोल्जर्स जब भी जाते समुंदर पे तो साथ में वो नींबू और संतरा लेके जाते हैं। और उसके बाद से फ्रेंच पोर्ट पे ब्रिटेन रॉयल नेवी के सोल्जर्स जम के खड़े हो गए, सालों साल तक पहरा दिया। नतीजा ये निकला कि नेपोलियन को उन्होंने हरा दिया। नेपोलियन के हारने के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था संतरे का। एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1747 में ही डॉक्टर जेम्स लिन ने बता दिया था कि नींबू और संतरे से पेशेंट ठीक हो सकते हैं, तो उसके बाद भी 40-50 साल तक स्कर्वी से पेशेंट या लोग मरते रहे, तब लोगों तक ये नया खोज क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ पे सिर्फ एक ही जवाब है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप 1747 में पैदा होते और आपको पता होता कि नींबू और संतरे से स्कर्वी के पेशेंट को बचाया जा सकता, तो आप क्या करते? शायद आप बोलेंगे कि आप जहाँ तक हो सके हर पेशेंट तक पहुँचते और आप इस खोज को बताते ताकि ज़्यादा जान बचाई जा सकती। बस वही आज हम कर रहे हैं, मैं और मेरे 700 से अधिक नाइस एक्सपर्ट। नाइस एक्सपर्ट मतलब नेटवर्क और इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स ने मिलकर पिछले एक साल में करीब 60,000 से अधिक कोविड के पेशेंट्स को, या यूं बोले तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के पेशेंट को ठीक किया विद जीरो मोर्टलिटी एंड जीरो मेडिकेशन। मैंने ये देखा उन 60,000 पेशेंट में करीब 20% थे जो क्रिटिकल केस बोल सकते हैं, लेकिन ये सारे वो लोग थे जो लोग हम तक पहुँचने से पहले ऑलरेडी कोई ना कोई एलोपैथिक ड्रग्स शुरू कर चुके थे, चाहे वो रेमडेसिविर हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, लेपिनोविर हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक हो, पैरासिटामोल हो, ये सब। तो खैर, ये सारे एविडेंसेस को हमने इकट्ठे किए, इकट्ठे करके हमने बुक लिखी पिछले साल इसी समय जुलाई महीने में, नाइस वे टू क्योर कोविड 19। और उसके बाद 2 महीने पहले हमने एक और बुक रिलीज़ किया जिसका नाम है दूसरी लहर का सच। और अब हम एक किताब लाने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा रेस्टोर्स पावर 72। हमने सारे एविडेंसेस को हर तरह की मिनिस्ट्री, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, आयुष डिपार्टमेंट हो, वहाँ सबमिट भी किया, मेडिकल काउंसिल में सबमिट किया। लेकिन अब बीच में आ गया फिर वही व्हाट वी कॉल एज पॉलिटिक्स। जो आप ये देख रहे हैं या जो आपने देखा वेव 1, वेव 2, अब ये थर्ड वेव, ये तीसरी लहर,
तीसरी लहर में जो सेंटर स्टेज में सेंटर पॉइंट है वो है चिल्ड्रन। ये सारा एक खेल है, ये सारा एक पॉलिटिक्स है। तो देखा आपने कि किस प्रकार केवल और केवल संतरे और नारियल के पानी की मदद से 60,000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई गई हैं। और यदि आपके पास भी यदि ये नॉलेज होता तो आप क्या करते हैं? ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। तब तक के लिए नमस्कार।